तो स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात होगी जूनियर असिस्टेंट 2023 जो 5512 पोस्ट आई हुई है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाने वाला है। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जान लीजिए कि फिलहाल में आयोग जो है, अभी तो आज और कल छुट्टी ही है, और इसके पहले जो काम हो रहा था वो जूनियर असिस्टेंट और पेट के रिजल्ट पे काम हो रहा है। पेट 2023 का रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही दोस्तों आने वाले जैसा कि एग्ज़ाम है VPO का, इस पे काम चल रहा है, और जूनियर असिस्टेंट को बहुत ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है आयोग के द्वारा, क्योंकि जिस विभाग से अधियाचन मिला है आयोग को वहाँ से डिमांड हो रही है उनके कर्मचारियों के लिए। तो वहाँ के लिपिक के जो भी कर्मचारी हैं उन लोग का काम नहीं हो रहा है, तो आयोग जो है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, उस पर ज़्यादा दबाव है कि इस भर्ती को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए और यहाँ पे जल्द से जल्द कर्मचारियों की भर्ती की जाए। बात करते हैं कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और किस किन किन स्टूडेंट को इसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, आपके पेट मार्क्स यदि 55 प्लस मार्क्स आए हुए हैं तो मानकर चलिए आप 99% आप इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, और आपको इसमें एग्ज़ाम देने का यानी मेंस देने का मौका मिलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों अभी से आपको अपनी टाइपिंग पे भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो भी स्टूडेंट इसके पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं टाइपिंग वाला, या फिर उनका कभी एग्ज़ाम नहीं निकला है और टाइपिंग देना हो, तो वे लोग तो बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि आखिर किस तरह से टाइपिंग होती है, क्या करना होगा। टाइपिंग के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल में मैं आपको बता देता हूँ कि पहली चीज़ तो अभी देखिए कि आपको यदि आपके पास PC या फिर मोबाइल स्मार्टफोन होगा उसके लिए भी केबल उबल आता है, उसमें अटैच करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सिस्टम है यानी डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है तो वहाँ से भी कनेक्ट करके डेली आपको अभी फ़िलहाल में 1 घंटे हिंदी और 1 घंटे इंग्लिश को समय देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप कमर कस लीजिए, और इस पर प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जो है आयोग दे रहा है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको मार्च में ही करवा लिया जाएगा। मार्च में पूरी कोशिश रहेगी, फरवरी लास्ट या फिर मार्च में इस एग्ज़ाम को दोस्तों 100% मानकर चलिए, सारी चीज़ें बैलेंस के हिसाब से चलें तो ये एग्ज़ाम चुनाव के पहले ये लोग कराने वाले हैं, ये तय है। और आपके पास फिलहाल में बहुत ज़्यादा समय है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी पकड़ के साथ अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और इतनी ज़्यादा इसमें पोस्ट हैं कि आप अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम का जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये आपको दिसंबर लास्ट माह में देखने को मिल जाएगी, बहुत लेट हुआ तो जनवरी में देखने को मिलेगा, आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों बात कर लेंगे टाइपिंग टिप्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 घंटे आपको हिंदी 1 घंटे हिंदी देना पड़ेगा, मंगल पे ही होगा हिंदी। और दूसरी चीज़, यदि आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपकी टाइपिंग तैयार नहीं होगी। 100% लिख लीजिए, आपकी टाइपिंग तैयार नहीं हो पाएगी। रीज़न ये है कि पहले से यदि आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम का जो टाइपिंग का प्रेशर है वो तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे कहीं पे भी ज्वाइन कर लेते हैं कोचिंग, वहाँ पे आप सीख लें, लेकिन जो आपके माइंड में प्रेशर रहेगा वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए पहले से आप यदि इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत स्मूथली वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट का भी दिया है ग्रुप C का टाइपिंग, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश होता है, और मैंने मंगल सीखा है, और यहाँ पे UPSL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी दिया था जिसमें कुर्ती देव था और इंग्लिश था। तो इस तरह के यदि आप पहले से नहीं सीखे रहेंगे तो फिर आपको प्रेशर बनना तय है। तो पहले से टाइपिंग करिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ज्वाइन करके सीखते हैं तो आप घर पे ही YouTube चैनल पे तमाम तरह के वीडियो पड़े हैं,
क्लास वाई, जैसे क्लास वन मंगल पांडे का उस दिन जो वो की बता रहे हैं, तो वो की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सीख लीजिए जो भी है 10 दिन 15 दिन, उसके बाद फिर अपना घर पे प्रैक्टिस करिए। हाँ एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको लगता है सिलेक्ट हो, रिजल्ट आ जाए, फिर आप किसी संस्था से जुड़कर वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा भीड़ में प्रैक्टिस करें, जिससे आपको थोड़ा सा भी प्रेशर ना फील हो। इससे रिलेटेड यदि आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और यदि इसकी तैयारी करते हैं, भर्ती अच्छी है, अच्छे से तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, धन्यवाद।